हेलो एवरीवन दिस इज अर्जुन वेलकम टू माय टूब चैनल आई होप आप सभी अच्छे होंगे सो इन दिस वीडियो आई विल बी वल टॉकउट की आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द काउंसलिंग फॉर नी 2022 सो लेट्स बिगिन द वीडियो तो सबसे पहले मैं बेसिक डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ जो कि नॉर्मली स्कूलिंग टाइम की होती है तो आपके पास होनी चाहिए क्लास टेंथ की मार्क्सटीटी क्लास टेंथ की पासिंग सर्टिफिकेट एंड क्लास ट्वेल्व की मार्कशीट एंड क्लास ट्वेल्व की पासिंग सर्टिफिकेट उसके बाद होनी चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट उस बोर्ड की जिस बोर्ड से आपने पढ़ाई करी है ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशूड द बोर्ड लास्ट अटेंडेड आपने जिस बोर्ड से भी पढ़ाई करी है लाइक सी बी एस सी में भी स्टेट बोर्ड होते हैं तो जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई करी है, उस बोर्ड का ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड मैगजीन सर्टिफिकेट ये आपको स्कूल में मिल जाएगा तो so ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए अब मैं बात करता हूँ बाकी डॉक्यूमेंट्स की तो सबसे पहले आपके पास नीट यू का कन्फर्मेशन पेज होना चाहिए इशूड वाई एन टी ए और नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल, नीट का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए आप उसको रैंक लेटर भी बोल सकते हो और जब आपने काउंसलिंग कराया होगा तो आपको सीट लौट हुआ होगा तो आपको सीट एलोकेशन लेटर मिलेगा बाई एम तो ये भी होना चाहिए एक डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायर्ड होता है अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग करा रखी है तो मान लो आपने फर्स्ट काउंसलिंग करा ली और सेकेंड काउंसलिंग में अपग्रेड करने के लिए जा रहे हो तो जब आपने फर्स्ट काउंसलिंग कराई होगी तो वहाँ पे आपको एक रिलीविंग लेटर मिला होगा तो जब आप सेकेंड काउंसलिंग में रिपोर्टिंग करने जाओगे उस कॉलेज में तो आपको वो रिक्वायर्ड होगा रिलीविंग लेटर होना चाहिए इन ओरिजिनल फॉर्म एंड नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट वो रिक्वायर्ड होता है फॉर ई डब्ल्यू एस ओ बी सी एस सी एंड एस टी कैटगरी के लिए और ये सेंट्रल लेवल का होना चाहिए ना कि स्टेट लेवल का एंड नेक्स्ट सर्टिफिकेट इज़ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास और एक और डॉक्यूमेंट्स होता है पी बी डी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है इन केस ऑफ डिसेबिलिटी और आगे मैं बात करता हूँ कुछ बेसिक चीज़ें जो कि रिक्वायर्ड होती हैं ड्यूरिंग एडमिशन तो उसमें है सबसे पहले एडमिशन फीस तो एडमिशन फीस कॉलेज टू कॉलेज, कॉलेज वेरी करता है सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि किस फॉर्म में जमा करना होता है तो ये भी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है बट मोस्टली आप डी के फॉर्म में या एन के फॉर्म में जमा कर सकते हो ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज अब जैसे मैं एम्स पटना की बात करूँ तो यहाँ पे एडमिशन फीस जो होता है वो एन और डीडी के फॉर्म में जमा होता है एंड पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोज भी रिक्वायर्ड होती हैं एटलीस्ट पाँच छः तो आपको लेकर चलना चाहिए या थोड़ा सा ज़्यादा लेकर चलोगे तो सही रहेगा कहीं मान लो जरूरत पड़ गई तो आधार कार्ड भी होना चाहिए आपके पास जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और आधार कार्ड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स बहुत का होना चाहिए पेरेंट्स का पेन कार्ड भी आप रख सकते हो कभी कभी जरूरत पड़ सकती है ये भी सो so, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टिंग के टाइम रिक्वायर्ड होते हैं कॉलेजेस में ओके okay? तो एक बार समराइज कर देते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड होता है और नीट का अप्लीकेशन फॉर्म नीट का एडमिट कार्ड नीट का स्कोर कार्ड और सीट एलोकेशन लेटर रिलीविंग लेटर अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग करा ली है और अपग्रेड किया है और सेकेंड काउंसलिंग के लिए जा रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल और बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि टेंथ का मार्कशीट टेंथ का पासिंग सर्टिफिकेट क्लास ट्वेंथ का मार्क्शीट क्लास ट्वेल्थ का पासिंग सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये होना चाहिए एडमिशन फीस कितना है उस कॉलेज का उस हिसाब से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आधार कार्ड और पैन कार्ड ये सब और कॉलेज में कुछ एफिडेविट होते हैं तो वो आपको एडमिशन से पहले बनवाने पड़ते हैं जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसके साइट पे जाके वो एफिडेविट देख सकते हो उसको बनवा सकते हो या तो नॉर्मली क्या होता है कि रिपोर्टिंग के टाइम जाओगे तो वो लोग बता देंगे कैसे क्या कौन सा बनवाना है और कहाँ बनवाना है ये भी बता देंगे आप पूछ सकते हो सो so, ये थे डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग रिपोर्टिंग इन मेडिकल कॉलेजेस सो आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो जिसको रिक्वायर्ड है जो भी काउंसिलिंग करा रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट uh, कर सकते हो या तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे वहाँ भी, भी बात कर सकते हो फॉलो भी कर सकते हो तो ठीक है इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय